Hi everyone, welcome to Med by Tech. Today our topic is circulatory system. सबसे सिंपल सिस्टम जिसमें दिल दिमाग के बारे में बात की जाती है, दिल और फेफड़ों के बारे में बात की जाती है. सो सर्कुलेटरी सिस्टम इज बेसिकली कंपोज ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल, कैपिलरीज एंड चैम्बर्स, ऑफकोर्स ब्लड प्रेशर टू. लेट्स टॉक अबाउट हार्ट फर्स्ट. हार्ट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन. मस्क्यूलर मतलब मसल से बना हुआ है. क्या शेप है? फिस्ट शेप. जो आपकी बॉडी, जब आप मुट्ठी बंद कर लेते हो, जो शेप आपको दिखाई देगी वैसे ही शेप का आपका हार्ट है. काम क्या करता है? इट्स अ पंपिंग मशीन. जो आपके ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, इट्स अ पंपिंग मशीन. जो आपके ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, इतना सा ही काम है. अब उस ब्लड को कैरी करने के लिए वी हैव ब्लड वेसल. तो ये हो गई आपकी पंपिंग मशीन. और जो आपके जो ब्लड ये पंप कर रहा है, वो ब्लड बाकी सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? ब्लड वेसल की, राइट? सो वी हैव टू ब्लड वेसल्स. एक है आपका आर्टरी, दूसरी है आपकी वेन. हमने नाम रख दिया किसका, आर्टरी और वेन. कैपिलरीज क्या होती हैं? यही आर्टरी वेन्स आपकी छोटी छोटी यूनिट्स में जब कन्वर्ट हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल, अगर ये आपकी ब्लड वेसल है, दिस इज ब्रॉड, ये ब्रॉड है. जब यही आपकी छोटी छोटी नैरो टाइनी ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, जो आपके ब्लड को कैरी कर रही हैं, इनको हम क्या टर्म यूज़ करेंगे? कैपिलरीज. क्योंकि ये आर्टरीज और वेन्स की होती हैं, इसीलिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं? अगर आर्टरीज की छोटी कैपिलरीज हैं, आर्टरियोल्स कहलाएंगी. वेन्स की छोटी कैपिलरीज हैं, छोटी यूनिट्स हैं, उसको हम वेन्यूल्स कहेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हार्ट चैम्बर. हार्ट में हमारे पास चार चैम्बर्स हैं जिससे ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जाता है. अपर चैम्बर्स, अगर ये आपका हार्ट बनाऊं मैं, दीज आर दी अपर चैम्बर्स एंड दीज आर दी लोअर चैम्बर्स. ये आपका हार्ट का राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है. अपर चैम्बर्स के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं, दैट इज एट्रियम. और लोअर चैम्बर्स को हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल्स. सो ये हो गया आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल. ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल. जो इमेज मैं आपको शो कर रही हूँ वैसे ही, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्लड प्रेशर. जब मैं बात करती हूँ ब्लड प्रेशर की, तो इसमें दो वर्ड्स हैं, एक आपका ब्लड, दूसरा आपका प्रेशर. तो जब ब्लड आपका ब्लड वेसल से फ्लो करता है, तो ब्लड आपके ब्लड वेसल पर एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा या प्रेशर लगाएगा. तो उस प्रेशर का नाम क्या है आपका? ब्लड प्रेशर. अब समझो इस चीज़ को, क्या कि ये जो आपकी ब्लड वेसल है, अगर ये प्रेशर ज़्यादा होगा वॉल पर, देयर माइट बी अ चांस कि आपकी वेसल कहीं पर डैमेज हो जाए. सो ये जो ब्लड वेसल है, ये एक तरीके से आपकी पाइप की तरह काम करती हैं, जैसे आपकी वाटर पाइप्स होती हैं ना, वैसे ही काम करते हैं. और ये आपकी मोटर की तरह काम करती है. क्या कि ये यहाँ तक ब्लड लेकर जा रही है और बाकी जगह पर पहुँचा रही है,
राइट. सो दिस इज दी सर्कुलेटरी सिस्टम. अब सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ फैक्ट जान लेते हैं. क्या कि आपका ब्लड, आपका हार्ट अमूमन 100,000 बार धड़कता है पर डे. अमूमन. और 2,000 गैलन ब्लड पंप करेगा पूरी बॉडी में. धड़कना और 2,000 गैलन ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी में, ये काम किसका है? आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का. अब सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास दो पार्टीशंस हैं, दो सिस्टम हैं. एक आपका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन को दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं. एक है आपका सिस्टमैटिक दूसरा है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन. अब सिस्टमैटिक जो आपका सर्कुलेशन वो होगा ब्लड वेसल और आपके टिश्यूज के बीच में. फॉर एग्जांपल ये लिवर है. अब लिवर की रिक्वायरमेंट क्या है? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा. ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड करेगा? आपका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन एंड दी पल्मोनरी सर्कुलेशन. पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड वेसल के और टिश्यू के बीच में इंटरेक्शन होता है. मतलब जो भी चीज़ें आपकी ब्लड में है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा, वो किस में है? आपके ब्लड में. ये जो एक्सचेंज होगा जब ब्लड वेसल अपनी चीज़ें टिश्यू को देगी, इट विल बी कॉल्ड एज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन. जब ब्लड वेसल एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए एल्वोलाई के पास जाती है, और एल्वोलाई कहाँ पाया जाएगा? आपका लंग्स में. दिस इज लंग्स. जब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन. तो सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर चीज़ एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जा रही है. जब एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जाते वक्त और वहीं से वो चीज़ वापस भी आ रही है, तो ये जो वापसी आना हो रहा है, वापसी ये जो पूरा कॉन्सेप्ट हो रहा है, अगर ये टिश्यू के बीच में होगा, टिश्यू और ब्लड वेसल के बीच में, इट विल बी कॉल्ड अ सिस्टमैटिक. अगर ये आपका एल्वोलाई और ब्लड वेसल के बीच में हो रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन. नाउ अब सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का फ्लो कैसा होता है, वी विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट टाइम, इफ यू लाइक इट, जस्ट लाइक इट एंड इफ इट इज हेल्पफुल फॉर यू, दैट्स इट. आई एम ग्लैड दैट इट वर्क्स नाइसली. टेक केयर.